18 तारीख को हमारे देश के इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मेंबरशिप लॉन्च कर दी है। कल एट ए टाइम पूरे 800 लोग उद्धव वीक्षण हो गए। हमारे पूरे लीडर्स हर एक ब्लॉक में 5 वार्ड में जो हम मेंबरशिप का लॉन्च कर दिए, ड्राइव मेंबरशिप ड्राइव हो गए कांग्रेस पार्टी का। कल पंचायत में और वार्ड में भी पूरा कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस समिति ने हमारे डीके शिवकुमार साहब और हमारे अपोजिशन पार्टी लीडर सिद्धरामैया साहब, हमारे देश के नेता सन्मान्य राज्यसभा विरोध पक्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे इंचार्ज ऑफ कर्नाटका सुरजीत वाला ने पूरे लोग जूम में, सब जूम ऐप के साथ मेंबरशिप ड्राइव हर एक वार्ड में, एक एक ब्लॉक में, 5 वार्ड में मेंबरशिप ड्राइव चालू कर दिए। आज से, कल से, 1 महीने से चालू होता। अब हर वार्ड में, हर बूथ में कितने लोग कांग्रेस का मेंबर बनते बुला के उन्हों 5 रुपए दे के खुद ही मेंबर हो रहे। कल से ज़्यादा यूथ लोग हमारे पार्टी के मेंबर बनने के वास्ते बहुत इंटरेस्टली हानेस्टली आ रहे हैं। इसकी वजह से हमारा इंटरनल इलेक्शन आगे आने वाले दिन में करना बोल के हमारा AICC और KPCC का ये संकल्प है। इसके वजह से हमारा रिक्वेस्ट है लोगों के पास, क्या रिक्वेस्ट है बोल तो, आजकल जो हमारा ये देश जो स्वतंत्र होने के बाद ये बचना, संविधान जिंदा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके वजह से यहाँ कांग्रेस की हुकूमत ज़रूरत है। अब 5 साल में और पिछले साल में भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखे, अब स्टेट गवर्नमेंट में भी हम देख रहे हैं, जो गरीबों को कितना तो हम देते थे वो पूरा कट कर दिए लोग। और पूरे हिंदुस्तान में ये मोदी साहब आने के बाद डीजल पेट्रोल ये क्या गैस का नहीं, पूरे गरीबों का, लोगों का पूरा तेल हों दो, शक्कर हों दो, दाल हों दो, हमको आने वाले चावल भी कट कर दिए, काम भी बंद कर दिए नरेगा का, और सब्सिडी भी बंद कर दिए। और हमारे को जो हेल्प होता था गया बार 5 साल जो कांग्रेस के हुकूमत में जो प्रणाली में बोले थे, सब लोगों को, गरीबों को नरेगा का काम, गरीबों को घर दिए सो है, और पूरे जो सब्सिडी मिलता था वो सब बंद कर रही है, मकान भी बंद कर रही है। इसलिए गवर्नमेंट आगे आने वाले दिन में कांग्रेस आना बोले तो आप सब लोग कांग्रेस के तरफ आना, कांग्रेस से मेंबरशिप होना, आप कांग्रेस का मेंबरशिप होना बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले दिन में यहाँ कर्नाटक में हुकूमत कांग्रेस का रहता है, इसलिए मैं सब लोगों को, पूरे हमारे पार्टी का और दूसरे सार्वजन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दयवू तावेलू बनी कांग्रेस सदस्यत्व आगरी, बर्तक दिवस बड़वे दीन दलित एल जाति जनांगदे एल धर्मदे तेक हम कांग्रेस पक्ष बलिष्ठमी। आज शाहजिलान के मैदान में जनाब आलम प्रभु साहब की क़्यादत में जनाब शेख हुसैन साहब, जनाब यूनुस अली साहब, तमाम लोगों की क़्यादत में आज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है। आज ऐसा लग रहा है कि मेंबरशिप स्टार्ट नहीं बल्कि आलम प्रभु पाटिल जी का इलेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो लिहाजा तमाम लोगों से हम अपील करते हैं कि कांग्रेस की मेंबरशिप के लिए आप ऐलान महले के लोगों से और तमाम ख़वातीन से और तमाम जो है ना नौजवान साथियों से भी अपील करता हूं कि जो है ना मेंबरशिप करके, अपने मेंबर बन के जनाब शेख हुसैन साहब, यूनुस अली साहब और आलम प्रभु साहब के हाथ मजबूत कीजिए। आने वाले दिनों में ये जो है यहाँ पर भाजपा सरकार हिंदुस्तान में और कर्नाटक में जो तहलका मचा रही है उसको उखाड़ के फेंकने के लिए हम सब तैयार होना है। जय हिंद। जय वार्ड नंबर 40 में आए हैं कांग्रेस के, हम सदस्यत्व अभियान शुरू करे हैं कल से, ऑल ओवर कर्नाटक में ये अभियान शुरू हुआ है। मैं वार्ड नंबर 40 मेंबर्स को, सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब कांग्रेस के सदस्यत्व बनो, और विशेष बोलती हूँ सब महिलाओं को, आप सब घर से बाहर आके आप कांग्रेस का साथ देके आप सब कांग्रेस के मेंबरशिप बनना बोल के मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ। जय हिंद। आज वार्ड नंबर 40 में जिलानाबाद में मेंबरशिप ज्वाइन कांग्रेस पार्टी की जानिब से यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे हरदिल अजीज़ नेता
श्री अलम प्रभु पाटिल जी एक्स MLC और हमारे एरिया के लीडर हायद शेख यूनुस अली साहब साबिका कारपोरेटर और हमारे शेख शब्बीर अहमद और तमाम जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे शिरकत की। और इस प्रोग्राम में जो कांग्रेस पार्टी की जानिब से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से जो डायरेक्शन दिए गए हैं, KPCC की जानिब से जो डायरेक्शन दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए आज ये प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के वार्ड नंबर 40 के तमाम जो कार्यकर्ता हैं इसमें शिरकत की। और हम आगे कोशिश करेंगे, मैं और शेख यूनुस अली साहब और तमाम हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस मेंबरशिप में हम अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे और यहाँ पे हम जो है ना अपनी पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि हमारे शेख हुसैन साहब ने कहा, आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडरों के जिम्मेदारों से जो ये मेंबरशिप की मुहिम को चालू किया गया है, आज वार्ड नंबर 40 में हमारे चहिते लीडर साबिका MLC आली जनाब अल्लम प्रभु पाटिल साहब ने उसकी इफ्तिदा की है और मुझे और शेख हुसैन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जो है ना जिस तरीके से हमको ये RSS बजरंग दल ये जो तमाम कौम के दुश्मन जमात को अगर BJP को हराना है तो अब हमारा मकसद बनता है कि हम कांग्रेस की मेंबरशिप बने, आने वाले दिनों में हम इनको जड़ से उखाड़ के फेंके, ये 1 पॉइंट प्रोग्राम हमारा मकसद है। और तमाम जिलानाबाद के और ख़ासकर पूरे गुलबर्गा के लोगों से मेरी अपील है कि जहां भी हमारे जिम्मेदार इस मेंबरशिप के लिए आएंगे, जिसमें एक एक्टिव मेंबर रहेगा उसके तहत 25 मेंबर उनको बनाना पड़ेगा कि मुहिम को पूरी तरीके से जुड़ेंगे बोल के मैं ये उम्मीद करते हुए, ख़ासकर मैं जिलानाबाद के तमाम वार्ड के जो भी जो है ना 40 41 27 ये तमाम वार्ड के 39 के मैं जिम्मेदारों से मैं अपील करता हूँ कि वो तमाम वर्करों तक पहुँचे और ये मेंबरशिप को बनाए। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इस BJP को जड़ से उखाड़ना है, हमें ये मकसद बनाए। जय हिंद जय कर्नाटक। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज एक मेंबरशिप ड्राइव का एक प्रोग्राम रखा गया था, इसमें तमाम महल्ले के जिम्मेदार और हमारे साथी सभी लोग शिरकत करे थे और इसमें मैं अपने तहे दिल से कांग्रेस पार्टी का मेंबर बन रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने आज ये स्टेप लिया है, इसमें तमाम हम लोग महिला जलानाबाद के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह इस बार असेंबली इलेक्शन में अलम प्रभु पाटिल साहब को जिताएंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस पार्टी का जो आज ऐसा मौका लेके आया ऐसे दिनों में के मेंबरशिप बनने का, मेंबरशिप बन के हम जो फख्र महसूस कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हमारी सेफ्टी भी रहेंगी, उसमें बहुत सी चीज़ें तब्दीली होंगी। हम बहुत बहुत यहाँ के आने वाले MLA इलेक्शन में जो अलम प्रभु पाटिल के साहब के साथ देंगे, आखिर तक उनको जिता के लाएंगे इंशाल्लाह। जो हमारे शेख साहब वार्ड नंबर 40 के कॉरपोरेटर जो हैं उनका भी और यूनुस अली सर का बहुत सपोर्ट रहा है इसमें जिलानाबाद आवाम के लिए, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ये लोगों का। जय कांग्रेस जय कर्नाटक। मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ, कांग्रेस पार्टी का मेम्बर बन चुका हूँ, खुदावन बिरादर के तरफ से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन हुआ हूँ। अहमद POP आज कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता के हिसाब से आज मैं मेंबरशिप लेकर वार्ड नंबर 40 के शेख हुसैन साहब का बहुत से दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं और शेख यूनुस अली साहब का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मेरे को कांग्रेस पार्टी के अंदर एक मेंबरशिप देकर मेरे को फख्र सा महसूस हो रहा है आज। और आगे चलकर हर घर में जाकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार करूंगा इंशाल्लाह, अपनी मेहनत और लगन से कांग्रेस पार्टी को इंशाल्लाह जिताऊंगा, हमेशा के लिए काम करूंगा मैं। आज जहाँ जो मीटिंग जमी थी एक मेंबरशिप जमाने के लिए, जो 40 वार्ड नंबर है, शेख हुसैन साहब और शेख यूनुस अली साहब एक मेंबर जोड़ना बोल के इनके करता है, हमारी भी एक जुनूनी है तो एक मेंबर बना के जोड़ के अलम बुलपुर साहब को जिताना बोल के एक ये है, हमको बहुत बड़ी महसूस हुई, खुशी महसूस हो गई कि एक मेंबर बना के जो है ना
सबको जिताने का और कांग्रेस को आगे लाने की, हमको बहुत खुशी की बात है, हमको बहुत गर्व है। मैं शब्बीर अहमद कांग्रेस पार्टी का एक एक्टिव मेंबर, एक 20-25 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और इस बार मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो काम हो रहा है इससे बहुत मुतमईन हूँ मैं। और हमारे शेख हुसैन साहब और यूनुस अली साहब, ये दोनों की मेहनत से ये एक सीट जीत कर हम आए हैं, लिहाजा अब पार्टी को मजबूत करना है। आलम प्रभु पाटिल साहब को जिताने के लिए भरपूर तन मन धन से कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी यही कोशिश है कि हमारे 100 से कांग्रेस पार्टी इस बार जीतेंगी इंशाअल्लाह और हम सब लोग महिला के जिम्मेदार लोग ये होकर मुत्तहिद होकर जिताएंगे। मैं शब्बीर मियां खव्वाल, मिसके मिल जिलानाबाद गुलबर्गा, कांग्रेस के और कांग्रेस के उसूलों से मुतासिर होकर मैं आज कांग्रेस में ज्वाइन हुआ हूं और इंशाअल्लाह रोजे मौत तक मैं कांग्रेस का ही दामन पकड़ूंगा।